हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं पंडित संजीत झा आपका अपना यूट्यूब चैनल माई दशा में स्वागत करता हूँ। पहले तो सॉरी, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के बीच आ नहीं पाया, बहुत व्यस्त चल रहा था, समय की शॉर्टेज थी, काम ज़्यादा था, तो इसलिए जो है मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। आज मैं कुछ समय निकाल करके आपके लिए आया हूँ। तो आइए बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, तो कुछ विशेष दिन आते हैं, विशेष त्योहार आते हैं, विशेष पर्व आते हैं जिसमें कुछ उपाय करें तो जिससे हमारी जीवन की परेशानियां बहुत ज्यादा हल हो जाती हैं, और इवन भगवान की कृपा रहे तो समस्त परेशानियों का नाश भी होता है। तो ऐसा ही एक विशेष दिन आने वाला है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को है सोमावती अमावस्या, जो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। इस दिन स्नान ध्यान करने से, दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होता है, और उसकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। खासकर जो पितृदोष से पीड़ित रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही विशेष दिन है। तो पितृदोष के उपाय पहले भी मैंने कुछ दिए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि आप इस सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सके, पुण्य अर्जन कर सके और अपने जीवन से परेशानियों का दूर कर सके। तो मित्रों, यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान में जाकर के अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त पिंडदान करवाएं। गया जी में जाना संभव हो तो गया जी में जाकर के पिंडदान इत्यादि करवाएं। गंगा जी में स्नान करें, और यदि संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल लेकर के स्नान करें। ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन वस्त्र दक्षिणा दान इत्यादि करें जिससे कि आपके पितरों और पूर्वजों की शांति हो और समस्त प्रकार के वह आपको आशीर्वाद प्रदान करें। और कुछ छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताता चलूं, यदि आप वो करेंगे तो उससे आपको अवश्य लाभ होगा। मित्रों, अमावस्या वाले दिन सुबह उठ करके पीपल के सन्मुख जा करके, बिल्कुल जब मॉर्निंग है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, उसी समय जाए पीपल के पास, दूध और जल मिला करके और साथ में कुछ मीठा जो है उसमें मिलाएं और पीपल के जड़ों में डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें, और कम से कम 11 परिक्रमा करें और प्रार्थना करें कि मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। ये आप उपाय कीजिए, इससे आपके जीवन में आ रही जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उन सब का नाश होगा। दूसरा उपाय, यदि आप बहुत ही बीमार चल रहे हैं तो आपने अमावस्या से एक दिन पूर्व चतुर्दशी की रात को एक नारियल लेना है। उस नारियल में 7 जगह तेल के टीके लगाने हैं, सरसों का तेल, सरसों के तेल का तिलक लगाना है और 7 जगह काले तिल चिपकाने हैं, और उसको लेकर के जो बीमार है उसके सिरहाने रख करके और सुबह उठ करके उल्टा घुमा करके चलते 7 बार उल्टा घुमाए, चलते हुए पानी में उसको जल प्रवाह कर दे, विसर्जन कर दे। और यदि पानी ना हो आसपास कहीं तो उसको ले जा करके कहीं जो है आप शमशान घाट में रखाए, ये आप क्रिया करें, उससे जो है रोगों का नाश होगा। तीसरा उपाय, और आप एक और उपाय तीसरा करें, आप जो है संध्या के समय 31 दीप दान दें, 31 तिलों के तेल का दीप दान दें और उसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल दें, शक्कर डाल करके दीप दान दें जिससे कि आपकी समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। चौथा उपाय, काले कुत्ते को, काली गऊ को, काले कौए को, इन तीनों को जो है मीठी रोटी डालें, इससे भी आपके जीवन में आने वाली जितनी भी विघ्न बाधा है उन सबका नाश होगा। पांचवा उपाय, कुछ ना करें, यदि आप यह कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप आराम से घर में बैठिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11,000 जप कर लीजिए। यदि ये सब क्रियाएं जो है आपको कठिन लगती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप 11,000 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। और यदि आप पांचों क्रियाओं को एक साथ कर लें, 11,000 जप भी कर ले और उसके बाद जो है ये 4 बाकी उपाय भी कर ले, तो आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी और ये सोमावती अमावस्या जो है आपके लिए वरदान बन जाएगी। तो इसको जाने ना दे हाथ से और इस मौके का लाभ उठाएं, अवश्य ही आपको लाभ होगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। तो यदि अच्छी लगे तो प्लीज आप कॉमेंट जरूर करें और अपनी राय दें, और जल्द ही मैं आपके बीच लाइव आने वाला हूँ। तो लाइव आकर के फिर हम लोग जो है मिलके अपने जीवन के बारे में
अपने कर्मों के बारे में बात करेंगे और कृत्यों के बारे में बात करेंगे। मैं जल्द ही आपके बीच में लाइव होऊंगा। मैं 1-2 दिन में डेट्स आपको अनाउंस कर दूंगा। मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जो मैं डेट्स अनाउंस करूंगा फिर जो है लाइव आया करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी।